उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 30 अक्टूबर को होने वाले भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 30 अक्टूबर की शाम को होने वाले दीपोत्सव से पहले दिन में निकाली जाने वाली रामायण कालीन झांकियों को सजाया संवारा जा रहा है। साकेत महाविद्यालय परिसर में विभिन्न गाड़ियों पर सजकर लता चौक के पास स्थित रामकथा पार्क पहुंचने वाली झांकियों को संस्कृति विभाग और नगर निगम द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी देते हुए अयोध्या के नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा 7 झांकियां जो कि बहुत ही भव्य झांकियां बनाई जा रही हैं, और ये जो झांकियां हैं ये इस बार पहली बार इस तरह की झांकियां यहाँ बन रही हैं जिसमें कि पूरा का पूरा प्रकृति का ख्याल रखा गया है। और ये जो झांकियां इसमें फ्लेक्स योजना करते हुए ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, और इसमें जो रामायण के जो 7 कांड हैं वो सभी कांड से संबंधित ये झांकियां हैं, और इसके साथ साथ सूचना विभाग और बाकी की भी झांकियां हैं जो 11 वो भी रहेंगी साथ में। और जो इस बार का दीपोत्सव है इसमें आप देखेंगे कि जो पूरा शहर का जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, या जो दीपोत्सव का आयोजन है जिसमें कि 25 लाख से ऊपर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, सरयू जी की माँ सरयू की आरती है जिसमें 1100 से अधिक लोग एक साथ आरती करेंगे, तो सभी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक मंच हैं उसमें भी पूरे देश के जो हमारे विभिन्न जो कलाकार हैं जो श्री रामलीला और रामायण पर आधारित प्रस्तुतियाँ देंगे, और उसके साथ ही साथ विदेशी रामलीलाएं भी यहाँ पे आई हैं जो कि विदेशी रामलीलाओं का भी मंचन यहाँ पे विभिन्न स्टेजेस पे करा जाएंगे। सर, किस तरीके बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो कि एक लेजर शो के माध्यम से होगा, तो वो राम की पैड़ी पे दीपोत्सव के जस्ट बाद उसका आयोजन है, तो उसको भी लोग देख पाएंगे, और जब देखेंगे तब उसको समझेंगे कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठा बेहतरीन, और जो श्री अयोध्या जी हैं उसकी जो छटा है उसके अनुरूप होगा, और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ की जो धार्मिक मान्यता है उन सभी के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे ये सारे आयोजन किए जाते हैं। कुल कितने दिए जलेंगे और कितने दिए का? जैसा हमने बताया आपको कि ये जो दीपक जलाने का कार्य है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है, और इसमें 25 लाख से ऊपर दीपक जलाए जाएंगे। 28 लाख तक हम लोगों का एक अनुमान है कि इतने दीपक जलाए जाएंगे, और इसमें 25,000 से भी ऊपर वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं जो कि प्रत्येक जगह पे अपनी अपनी ड्यूटी में अपने अपने देखरेख में स्वयं वो जलाएंगे, दीपक जलाने का कार्यक्रम।